रास्ता छोड़ दो। हमने अदालत को ये बताया कि अनुसंधान अधिकारी ने किस ढंग से हर स्टेज पर हर स्तर पर फर्जीवाड़ा किया, मैन्युपुलेशन किया। आज तो हमने जो वीडियोग्राफी के तहत गवाह पूनम चंद के बयान लिए गए उसको डिस्कस करते हुए बताया कि गवाह पूनम चंद जो बातें नहीं बोल रहा है वो बयानों में लिखी हुई है और जो बोला है वो लिखी हुई नहीं है और उसके नाम पते मन से लिखे हुए हैं और जब बयान गवाह ने समाप्त किए तब तक तो कागज़ खाली दिख रहा है। इसलिए हमने ये अदालत से निवेदन किया कि जब वीडियोग्राफी में पारदर्शिता आई है कि किस ढंग से एडिटिंग की गई, किस ढंग से मैन्युपुलेशन किया गया, इससे स्पष्ट साबित है कि सलमान खान को इस मुकदमे में इंसान झूठा फंसाया गया है, गवाह पूनम चंद को फर्जी चश्मदीद गवाह के रूप में खड़ा किया गया है और ऐसी फर्जी कार्रवाई करने के लिए ऐसे अधिकारी को उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई अधिकारी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध कोई मुकदमा चलाने की कोई हिम्मत नहीं है। सर सलमान पेश हुए सर आज? हाँ, सलमान के खिलाफ मुकदमा पेश होना ही। अगली सुनवाई कल के लिए रखा है आज? अचानक नहीं होता, पेश ही थी ना। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला अदालत जोधपुर ग्रामीण श्री देवनारायण जी खत्री के यहाँ पर सलमान खान, सैफ अली, सोनाली तब्बू, नीलम हुसैन सिंह के द्वारा जो दो काले इनों का 2 अक्टूबर 2098 का जो आरोप है उसके अंतर्गत सलमान खान जो पहले अभियोजन अधिकारी भवानी सिंह पार्टी के द्वारा अपना अभियोजन का पक्ष रख दिया गया था, तत्पश्चात अभी सलमान खान की ओर से उनके अधिवक्ता के द्वारा बहस की जा रही है जिसके तहत सलमान खान के जो समक्ष मुख्य गवाह जो पूनम चंद आई विटनेस है उसके जो बयान दिए गए तत्कालीन अनुसंधान अधिकारी ललित मोडा द्वारा उस संबंध में आज बहस की गई। उनके अधिवक्ता का एक तर्क था कि जिस तरह से वीडियोग्राफी कराई हुई है उसमें जिस गवाह ने ये कहा है कि उनके बयान लगातार लिए गए उस संबंध में उन्होंने अपने तर्क पेश किए गए हैं। इस संबंध में अभियोजन अधिकारी के द्वारा पूर्व में ही अपने समर्थन में बयान दिए जा चुके, बताया जा चुका था कि सलमान खान की उपस्थिति में गवाह पूनम चंद के बयान रिकॉर्ड हुए हैं, वो आज न्यायाधिपति द्वारा देखा भी गया जिस पर स्पष्ट रूप से गवाह पूनम चंद जो सलमान खान के ऊपर आरोप लगा रहा है उनके द्वारा जिस प्रकार वो आए, किस प्रकार उन्होंने स्वीकार किया, किस प्रकार स्वीकार करके निकले और उन्होंने कैसे पीछा किया नज़दीक से, वो सारी बात उन्होंने बताई। इस तर्कों का खंडन सलमान खान के अधिवक्ता के द्वारा किया गया कि ये सही नहीं है जैसा अनुसंधान अधिकारी ने पूर्ण लिखा नहीं, क्योंकि आज ये बहस रही परंतु रेफरेंस होने की वजह से न्यायालय समय अभाव होने की वजह से आज ये बहस पूर्ण नहीं हो पाई। आज न्यायालय में अभियुक्त सलमान खान स्वयं उपस्थित थे जिसके द्वारा जब ये रिपोर्टिंग की जा रही थी, क्योंकि आज पूर्व में इनको निर्देशित किया गया था जिस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ही अपना लैपटॉप लेके आए थे जिसमें वो सीडी जिसमें सलमान खान के उपस्थिति में गवाह पूनम चंद के बयान दर्ज किए गए थे उन बयानों को देव कुमार जी जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है उन्हें दिखाया गया, उनके तहत जो बयान रिकॉर्ड थे उनकी आवाज़ भी उन्हें सुनाई गई तथा जो तर्क और दे रहे थे जो इसी बात का आज निश्चित तौर पे जो एक 98 में अपराध किया गया था उनके अपराध के जो गवाह के उपस्थिति में लिए गए थे वो भी आज अभी देख रहा था, तो निश्चित तौर पे आज उनके बचाव पक्ष किया गया है लेकिन जिस प्रकार से गवाह धरा प्रभाव से बोल रहा था निश्चित तौर पे अभियुक्त उससे कहीं ना कहीं आज चेहरे पे उसके नमी दिख रही है। वकील साहब, पिछली लगातार पेशियों में ये हाजिरी माफी लेते रहे, आज अचानक पहुंचे, इसका क्या कारण है? कोई निजी प्रयोजन से आए थे या आज उनके वकील ने बुलाया था, कुछ आपके समझ में आया? निश्चित तौर पे हम नहीं कह सकते क्योंकि यदि कोई निजी प्रयोजन से आए और जोधपुर में उपस्थित है तो उन्हें यदि जोधपुर उपस्थित है तो उन्हें हाजिरी माफी नहीं दी जाकर उसे न्यायालय में आना चाहिए क्योंकि न्यायालय में आने की पहली शर्त होती है और यदि उनके अधिवक्ता ने बोला तो ये इनका निजी मत है उसके बारे में मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है, वही बता सकते। आगामी डेट अगली तारीख कल? आगामी सुनवाई कल है, पुनः लगातार कल रखी गई है जिस पर पुनः जो अन्य गवाह मुख्य जो इन्वेस्टिगेशन अधिकारी है ललित बोड़ा उसके संबंध में बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा बहस की जाएगी।